दोस्तों नमस्कार। चलिए ये जो वीडियो होने वाला है ना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। हमने पिछले लेक्चर में बात किया था कूलम्स लॉ के बेसिक डेफिनेशन और क्या फॉर्मूला था उसके बारे में बात किया था। एक छोटे से क्वेश्चन भी हमने किया था। तो जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे, पिछले लेक्चर में जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि जब कूलम्स लॉ न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करता है, जो दो चार्ज के बीच में लगने वाली जो फोर्स होती है वो फोर्स एक्शन रिएक्शन पेयर होती है, तो ये आपस में कैंसिल क्यों नहीं कर देते। क्वेश्चन यहाँ ये है कि ऑल्दो कूलम्स लॉ फॉलो न्यूटन थर्ड लॉ, व्हाई डू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज डू नॉट कैंसिल ईच अदर, क्या रीज़न हो सकता है। तो ये क्वेश्चन अगर आप बहुत ज़्यादा सोचे तो बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा, लेकिन इसका आंसर बहुत ही बेसिक सा है। आंसर ये है कि अगर नलीफाई होने के लिए कोई भी किसी भी चीज़ पे नेट फोर्स जीरो होने के लिए किसी एक पार्टिकल पे नेट फोर्स जीरो हो सकता है। यदि फोर्स दो अलग अलग पार्टिकल पे लगे तो नेट फोर्स जीरो कभी यही हो सकता है। अगर आप सोचे तो आपको लगेगा कि यार ये जो चार्ज है Q1 और Q2 ये आपस में एक दूसरे को रिपेल कर रही है। एफ फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू इज इक्वल टू भी आप लिखोगे K Q1 Q2 / R2। ये F21 फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन इज ऑल्सो इक्वल टू K Q1 Q2 / R2। यहाँ तक क्लियर है? तो आपको तो लगेगा कि यार दोनों ही फोर्स जो है उनका मैग्नीट्यूड तो सेम है, डायरेक्शन अलग है, तो क्यों ना एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। ऐसा नहीं होगा। ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये दोनों ही दो अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लग रहा है। देखो यार, नेट फोर्स कब जीरो हो सकता है? मान लीजिए हमारे पास ब्लॉक है, ठीक है, कोई इधर से कोई फोर्स लग रहा है F1 = 10 N, इस पे नेट फोर्स जीरो हो सकता है तब जब इधर से आपको एक फोर्स लगा दो 10 N का, तब तो हम कहेंगे नेट फोर्स ऑन दिस पार्टिकल इज जीरो। अब कोई एक फोर्स इस पे लगा रहा है और मान लो कि कोई एक दूसरा फोर्स है जो इस पार्टिकल पे लगा रहा है इधर की तरफ 10 N, तो क्या नेट फोर्स जीरो हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था ये। पिछले लेक्चर में मैंने आपसे पूछा था कि ऐसा क्यों होगा, ठीक है, मेरे ख्याल से ये चीज़ समझ में आ गया होगा। और तो आज एक और क्वेश्चन मैंने दिया था लास्ट में कि कोई दो चार्ज थे जिसके मैग्नीट्यूड 2 nC था, दोनों के बीच में फोर्स लग रहा था 40 N, तो आपको पूछा गया था कितना डिस्टेंस होगा। इसको भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैट का 6th लेक्चर है। इसमें हम लोग कुछ कूलम्स लॉ से रिलेटेड कुछ अच्छे और बेहतरीन सवाल करेंगे। इसके बाद कुछ इस लेक्चर को थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ाया जाएगा। ओके, क्वेश्चन था हमारे पास कि दो चार्ज है, पिछले लेक्चर का ये भी क्वेश्चन मैं इसमें यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। एक ये दोनों ही चार्ज का मैग्नीट्यूड था 2 nC, राइट। दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है आर, ये आपको पता करना था। इन दोनों आपस में फोर्स लगाते थे कितना, 40 N का। ये क्वेश्चन था, मेरे ख्याल से आप सब ने सॉल्व कर लिया होगा, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। तो कूलम्स लॉ क्या कहता है, F = K Q1 Q2 / R2। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं R2 = K Q1 Q2 / F। लिख सकते हैं क्या, R = √K Q1 Q2 / F। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बहुत ही आसान है, लिखा जा सकता है। तो K की वैल्यू कितना होता है, 9 × 10⁻⁹। Q1 Q2 2 × 2 4 नैनोकुलम, 1 nC 1 nm इज इक्वल टू क्या होता है, 1 nm इज इक्वल टू 10⁻⁹ होता है, -9 m होता है। 1 nC इज इक्वल टू, यहाँ 2 × 2 = 4 तो कर दिया हमने, इज इक्वल टू 10⁻⁻⁸ कर दे कूलम, डिवाइडेड बाय एफ। एफ कितना है, 40 है। इसको सॉल्व करो, 1 10 ये इधर हो जाएगा, इधर आ जाएगा 8, ये 10 चला जाएगा। तो ये R जो आएगा √9 × 10⁻⁹ आएगा, दिस मीटर 9 का रूट 3 आ जाएगा, 3 × 10⁵ m। बहुत आसान था ये, मेरे ख्याल से आप सबका आया होगा आंसर, ठीक है। यहाँ तक तो हो गए पिछले लेक्चर की बात, तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो मेरा नाम कुलदीप कुमार है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक के 6th लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग आज नया कुछ बात करने वाले हैं, कुछ नए क्वेश्चंस। तो इस
लेक्चर का सबसे पहला क्वेश्चन। इस लेक्चर को हम स्टार्ट ही कर रहे हैं क्वेश्चन से। मैंने जैसा कि आपको प्रॉमिस किया था पिछले लेक्चर में भी कि कूलम्स लॉ से रिलेटेड एक और लेक्चर लेके आऊंगा। तो पहला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन का लैंग्वेज हो सकता है कुछ आपके बुक में क्वेश्चन, कई बार क्या होता है कूलम्स लॉ से रिलेटेड इतने आसान सवाल रहते हैं लेकिन इतना लंबा सा 8-10 लाइन में लिखा रहता है कि हम पढ़ ही नहीं पाते। अब या फिर पढ़ते हैं तो पढ़ते पढ़ते दिमाग में ही टेंशन हो जाता है, यार ये क्या लिखा हुआ है, अब इसको कौन सॉल्व करेगा, मेरे से नहीं होगा। ये सब रियलिटी है। जब आप जेईई मेंस या नीट के एग्ज़ाम जाओगे उस समय में कुछ क्वेश्चन तो इतने लंबे से दिए रहते हैं कि आप वहाँ पर ही अपना हिम्मत खो देते हो। तो क्वेश्चन का मैं लैंग्वेज अभी नहीं लिख रहा, जहाँ जरूरत पड़ेगा लैंग्वेज भी लिख दूंगा। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, दो पॉइंट चार्ज है Q1 ठीक है एंड Q2, Q0 ही लेते, दोनों पॉइंट चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, Q0 है राइट। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस R है इनिशियली, इनके बीच में फोर्स लग रहा है, इनके बीच में फोर्स लग रहा है F, ठीक है समझ रहे हो, पॉजिटिव चार्ज है दोनों। क्वेश्चन में अब ऐसा कहा गया, देखो कितने टाइप के वैरायटी ऑफ क्वेश्चन क्या सब आ सकते हैं इसमें। अब क्या किया गया, ये इनिशियल सिचुएशन है ना, इनिशियल सिचुएशन है। अब इस क्वेश्चन में आपको ये कहा कि द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज हैज़ बीन हाफ्ड। अब आपको इस चार्ज का मैग्नीट्यूड आधा कर दिया गया, Q0 by 2 कर दिया। डिस्टेंस इज रिड्यूस टू डबल, अगर ऐसा क्वेश्चन कह दे डिस्टेंस इज रिड्यूस टू, ये R' = 2R कर दिया गया ठीक है। इनिशियल चार्ज से ये चार्ज आधा कर दिया गया, डिस्टेंस को डबल कर दिया गया। अब आपसे पूछ रहा है कि इस पे जो फोर्स F' लगेगा वो F' विल बी इक्वल टू व्हाट, F' = what। मैं चार ऑप्शन दे देता हूँ, आप इसको सॉल्व कीजिए, तुरंत से वीडियो पॉज करो और तुरंत से फटाफट निकाल सकते हो आप। ये बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ज़्यादा ही आसान है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। पहला ऑप्शन है F/2, दूसरा ऑप्शन है, इधर लिख देता हूँ दूसरा ऑप्शन, F/4, तीसरा ऑप्शन है F/8 और चौथा ऑप्शन है F/16। देखते हैं क्या होगा आंसर, मेरे ख्याल से आपने सॉल्व कर लिया होगा। चलिए इधर देखिए, F' आपको निकालना है, F' = हम क्या लिखेंगे, K Q1, इसको मैं मान लेता हूँ Q1' है ना, Q1 मान लेता हूँ ठीक है, और इसको मैं मान लेता हूँ Q2, Q1 Q2 अपॉन R' का होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है, ये F' निकलेगा हमें। सबसे पहले क्यों ना मैं F = लिख लूँ K Q0² / R² यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ, K Q0² / R² ठीक है। F' = K Q1 Q2 / R², Q1, अब इसको सॉल्व करो आप, इस चीज़ को मैं यहाँ मिटा रहा हूँ ठीक है, मेरे पास जगह कम है तो अगर मैं सॉल्व करूँ तो क्या लिखूंगा, F' = K Q1 का वैल्यू कितना है, Q0 by 2 × Q0 by 2 / R / 2R था ना, ये 2R का होल स्क्वायर, याद है क्लियर है। इसको सॉल्व करो क्या आएगा अपने पास, F' = K Q0² / 4 × 4R² क्या ये F' = 1/16 × K Q0² / R² नहीं आ सकता है, देख सकते हैं ना। तो ये चीज़ क्या हो गया हमारे पास, वॉट इज दिस, दिस इज F, F' = 1/16 F, हो गया आंसर, आंसर विल बी 4th ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन सवाल करेंगे, मेरे ख्याल से यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। अगला सवाल कुछ ऐसा है, इसको मैं मिटा दूँ, दिखाई तो दे रहा है ना प्रॉपर, चलिए बहुत बढ़िया। अगला सवाल है, ये लेक्चर थोड़ा सा लेंदी होगा ठीक है, लेकिन मैं आपको पहले ही बोला कि चीज़ें जितने आसान तरीके से हो सकता है उतने आसान तरीके से आपके पास आपको मैं समझा दूंगा, उसमें परेशान होने वाली बात नहीं है ठीक है।
सवाल कुछ इस तरह का है, क्वेश्चन है कि टू चार्ज बॉल, दो बॉल है, दोनों ही चार्ज है, मान लो पॉजिटिव चार्ज ही मान लेते हैं, ठीक है, टू चार्ज बॉल, और कैसे बॉल है, आइडेंटिकल है, टू आइडेंटिकल चार्ज बॉल इज केप्ट एट अ डिस्टेंस, एट अ फिक्स डिस्टेंस, ठीक है, किसी एक डिस्टेंस पर रखा हुआ है, दे रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स एफ, दे रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स एफ, ठीक है, इन दोनों के बीच में मान लो ये डिस्टेंस डी मान लो, ठीक है, ये क्वेश्चन का मैं लैंग्वेज नहीं लिख रहा, डायरेक्ट मैं आपको सवाल बता रहा हूँ, इनके बीच में डी रखा हुआ है। अब कह रहा है कि अनदर आइडेंटिकल न्यूट्रल स्फीयर, कोई तीसरा न्यूट्रल स्फीयर है, इज फर्स्ट टच टू द वन स्फीयर, मान लीजिए स्फीयर नंबर वन है, ये स्फीयर नंबर टू है, किसी एक से पहले टच करवा दिया गया, ठीक है, सिचुएशन ऐसा है, इसको टच कराया गया, ठीक है, ये क्या था, ये न्यूट्रल था, राइट, एंड इट इज फर्स्ट टच टू द फर्स्ट स्फीयर, एंड देन दिस स्फीयर इज केप्ट इन द मिडिल ऑफ द टू चार्ज स्फीयर, ठीक है, मैं लैंग्वेज आपको पढ़ के समझा देता हूँ, क्वेश्चन का ऐसा है कि टू इक्वली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर इज प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस, एग्जर्ट अन इक्वल फोर्स एफ, ठीक है, आगे है कि अ स्मॉल अनचार्ज स्फीयर स्फेरिकल कंडक्टर इज टच टू वन ऑफ देम एंड फाइनली केप्ट इन द मिडिल ऑफ द टू स्फीयर, फाइंड द न्यू फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम, इन दोनों के बीच में नया फोर्स क्या होगा। अब आप समझे क्या, ये मान लो ये स्फीयर का नाम क्या दे दूं, मैं थ्री देता हूँ, इस स्फीयर थर्ड को पहले टच कराया गया, ठीक है, टच कराने के बाद इस स्फीयर थर्ड को हमने यहाँ पर रख दिया कहीं पे भी, स्फीयर थर्ड को, ठीक है, इस स्फीयर थर्ड को यहाँ पर रख दिया इन दोनों के डिस्टेंस के मिड में, ये डिस्टेंस डी है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डी बाई टू, ये हो जाएगा डी बाई टू, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है ये आपस में, ये जो स्फीयर वन है और ये स्फीयर टू है, ये आपस में फोर्स अगर एफ डैश लगाते हैं तो एफ डैश का एफ से क्या रिलेशन है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, समझ में आया सवाल, तो इसमें क्या करना है आपको, आपको यहाँ पे दो दिमाग, मतलब दो कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करने हैं, पहली बात कि कूलम्स लॉ इज मीडियम डिपेंडेंट, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एनी थर्ड चार्ज बिटवीन एनी टू चार्ज, अगर कोई तीसरा चार्ज आ गया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है इन दोनों के फोर्स में। दूसरा बात कि इट डिपेंड ओनली ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, कि जब ये थर्ड, ये जो तीसरा स्फीयर है, ये जो अनचार्ज है, इसको जब हमने टच करवाया, टच करवाने, और क्योंकि आइडेंटिकल है इसीलिए क्या होगा, चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यहाँ तक समझ में आ रहा है, चार्ज जो है दोनों पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो ये भी अब जो पहले मान लो ये प्लस क्यू कूलम था, दोनों ही क्यू मान लेते हैं, तो ये अब क्यू बाई टू हो जाएगा और ये क्यू बाई टू हो जाएगा, आधा आधा चार्ज इस पर चला जाएगा, तो फाइनली इस पर चार्ज अब कितना रह गया, क्यू बाई टू, यहाँ पर रह गया क्यू बाई टू, और ये अभी भी क्यू है, समझ में आया ना, तो अब आपको एफ डैश निकालना है, तो हम क्या कह सकते हैं भाई, इनिशियल फोर्स एफ कितना था, एफ इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, या सॉरी डी लिया हूँ यहाँ पे, तो डी स्क्वायर, समझ में आया। अब फाइनली जब ये चार्ज रख दिया गया, कोई थर्ड चार्ज रख दिया गया, इस थर्ड से तो वैसे चार्ज बीच में रखने से इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस फोर्स पे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फोर्स के मैग्नीट्यूड पे फर्क पड़ा, क्यों पड़ा, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज चेंज हो गया, जो पहले q था ये अब q बाई टू हो गया, तो f डैश इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, f डैश इज इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, k, अब देखो नया फोर्स, एक चार्ज हो गया q बाई टू इंटू क्यू बाई टू इंटू क्यू डिवाइडेड बाई डिस्टेंस, अब कितना, डिस्टेंस अभी भी d है, डिस्टेंस d स्क्वायर, तो f डैश इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, k q स्क्वायर बाई टू d स्क्वायर, तो फाइनली हम कह सकते हैं क्या, देयरफॉर क्या मैं कह सकता हूँ कि f डैश इज इक्वल टू f बाई टू, एक तो ये क्वेश्चन आ सकता है, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन देखो और क्या चेंज कर सकता है, क्वेश्चन में ये भी चेंज कर सकता है कि कोई एक थर्ड चार्ज है, इसको हमने पहले इससे टच करवाया, फिर हमने इसको टच करवाया, फिर हमने क्या किया, इस दोनों के डिस्टेंस को डबल कर दिया, मतलब वेराइटी ऑफ क्वेश्चन क्रिएट किया जा सकता है, ठीक है। मैं हमेशा से ये मानता हूँ कि अगर आप एग्जामिनर के माइंडसेट को समझ गए ना कि ये
इस टॉपिक से क्या सब क्वेश्चन बन सकता है, तो फिर फिजिक्स ना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि देखो थ्योरी वही है और पूरे इंडिया का बच्चा वही चीज़ पढ़ रहा है। अब उसी में से कुछ बच्चे को बहुत जल्दी फिजिक्स आ जाता है, बहुत जल्दी वो सॉल्व कर लेते हैं, कुछ लोग सॉल्व नहीं कर पाते सब कुछ समझते हुए भी। उसके पीछे रीज़न ये है कि वो बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, हर बच्चे का अलग अलग टाइप का रीज़न हो सकता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आप एक बार समझ गए कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं और उस टाइप के क्वेश्चन को आप रिवाइज कर लिए, बार बार सॉल्व कर लिए, बस फिक्स टाइप के क्वेश्चन आते नहीं किए जेई मेंस में, उसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही आसान सा सवाल है। एक और यहाँ तक समझ में आ गया ये क्वेश्चन? ठीक है, मैं लैंग्वेज नहीं लिख रहा है क्योंकि चीज़ों को समझो बस क्या कह रहा है, अब उसमें जहाँ जरूरत होगा लिख दूंगा। अगला सवाल करते हैं, अगला सवाल कुछ ऐसा है, थ्योरेटिकल सवाल है कि अ पॉइंट चार्ज, सवाल कुछ ऐसा है कि अ पॉइंट चार्ज Q1 एग्जर्ट फोर्स ऑन Q2, ठीक है, अ सेकेंडरी चार्ज, अब वही क्वेश्चन है कि अनदर चार्ज Q3 इज प्लेस्ड इन बिटवीन देम। ये सवाल मतलब थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि कोई Q1 चार्ज है, कोई Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज पे कोई एक फोर्स लगा रहा है, ये अट्रैक्टिव रिपल्सिव कुछ भी हो सकता है, मान लो ये मैंने रिपल्सिव भी लिया, ठीक है, एंड अनदर चार्ज Q0 इज प्लेस्ड इन बिटवीन देम, द मैग्नीट्यूड ऑफ और द कुलम फोर्स एग्जर्टिंग बिटवीन देम विल, पहला ऑप्शन है विल डिक्रीज, है ना, दूसरा ऑप्शन है कि वो फोर्स क्या हो जाएगा इंक्रीज, तीसरा ऑप्शन है रिमेन सेम, ठीक है, और चौथा ऑप्शन है कैन नॉट बी डिटरमाइंड। बहुत ही आसान सा बात है कि भाई चार्ज अभी भी उतना ही है, मीडियम हमने जो भी मीडियम रखा होगा, एयर में रखे हैं या वाटर में, कोई भी मीडियम में रखे हैं, ये फोर्स जितना लग रहा था उतना ही लगेगा, क्योंकि हमने मीडियम तो चेंज किया नहीं, कोई तीसरे चार्ज को बीच में ला दिए, तो उससे इस दोनों के ऊपर जो फोर्स, ये जो फोर्स है, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, इन दोनों पे फर्क नहीं पड़ेगा, तो फोर्स विल रिमेन सेम। समझ में आया? एक और क्वेश्चन आता है, देखो बेसिक सा सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर कूलम्स लॉ। एक सवाल यहाँ पे है क्वेश्चन, मान लो ये Q1 है, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज मान लो, राइट, ये मान लो निगेटिव चार्ज है Q2 है, ये आपस में एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं, ये आपस में एक फोर्स लगा रहे हैं, आपको चार ऑप्शन दिया जाएगा और पूछा जाता है कि कौन सा रिलेशन सही है कूलम्स लॉ के लिए। पहला ऑप्शन कि Q1 Q2 इज लेस देन जीरो, ठीक है, दूसरा ऑप्शन कूलम्स लॉ के लिए कौन सा इक्वेशन चाहिए, Q1 into Q2 इज इक्वल टू जीरो, तीसरा ऑप्शन Q1 Q2 इज नॉट इक्वल टू जीरो, चौथा ऑप्शन Q1 Q2 इज ग्रेटर देन 100 कूलम, कुछ भी दे दिया, ठीक है। अब आपको समझना है कि यार क्या होना चाहिए, क्या सही रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। सवाल कुछ ऐसा है कि एज्यूमिंग टू कूलम्स लॉ, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेशन, कौन सा रिलेशन सही है, तो अब बताओ क्या होना चाहिए इसका रिलेशन। तो मैंने आपको पहले भी बोला था कूलम्स लॉ क्या बताता है कि दो कूलम लॉ में जो हम एफ लिखते हैं, एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 जो लिखते हैं, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, दोनों चार्ज के क्या होता है, मैग्नीट्यूड के बराबर होता है, ठीक है। नहीं, ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है, हाँ ठीक है ना, इस ठीक है Q1 Q2 upon r² जो लिखते हैं, ठीक है, अगर ये डिस्टेंस r है आपस में, तो यहाँ पे हम क्या लेते हैं, सिर्फ चार्ज का मैग्नीट्यूड लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे देखो इस दोनों का अगर चार्ज को प्रोडक्ट हम करें तो यहाँ पे एक माइनस कूलम है, एक प्लस कूलम है, ठीक है, तो इस दोनों को अगर आप प्रोडक्ट करोगे हमेशा क्या होगा, जीरो से कम हो जाएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा। समझ में आया? दोनों ही चार्ज का भी प्रोडक्ट कभी भी जीरो नहीं होगा। अगर आप मैग्नीट्यूड लो जैसे प्लस टू कूलम माइनस थ्री कूलम, इसको अगर सिर्फ आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो इसका वैल्यू तो नहीं जीरो आएगा, लेकिन आप जब फोर्स निकालोगे तो फोर्स में आप यहाँ साइन माइनस प्लस नहीं भी लिए तो भी चलता है, अगर ले लिए तो कोई ऐसा बात नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ आपको वेक्टोरियल मैग्नीट्यूड बताएगा। फॉर एग्जाम्पल कहीं पर दिया हुआ है प्लस टू कूलम, ठीक है,
और यहाँ दिया हुआ है माइनस फोर कूलम, इस दोनों के बीच में और ये डिस्टेंस मान लो आठ दिया हुआ है, तो फोर्स अगर आप लिखते हो माइनस फोर इंटू प्लस प्लस टू इंटू के अपॉन आर स्क्वायर, तो ये जो आपको आ रहा है माइनस एट के बाय आर स्क्वायर, ये माइनस साइन ये दिखा रहा है कि फोर्स जो है फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट है और ये अट्रैक्टिव इन नेचर है, बस यही दिखाता है। लेकिन कूलम ने क्या कहा कि फोर्स विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ देयर चार्ज, है ना, सिर्फ उनके जो मैग्नीट्यूड है उनके प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा। अगर आप साइन के साथ ले रहे हो तो फिर वही है कि सिर्फ आपको ये मैग्नीट्यूड नहीं मिलके ये फोर्स का वेक्टोरियल फॉर्म मिलेगा, समझ में आया। तो अगर आप मल्टीप्लाई करते हो क्यू वन और क्यू टू को तो क्या होगा, इसका वैल्यू एक प्लस इंटू माइनस निगेटिव होता है ना, इज लेस देन जीरो, इसका आंसर था फर्स्ट हो जाएगा, समझ में आया। सवाल इस तरह के भी आ सकते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो एक क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऐसा है कि अ पार्टिकल ऑफ मास एम एंड चार्ज क्यू, अ पार्टिकल ऑफ मास एम एंड चार्ज क्यू इज रिवॉल्विंग, चार्ज क्यू ऐसा है इज माइनस क्यू, सॉरी चार्ज माइनस क्यू वन is moving around a charge plus q2, एक चार्ज है माइनस q1 जो प्लस q2 चार्ज के अराउंड घूम रहा है along a circular path, along a सर्कुलर पाथ, फाइंड द, इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, ठीक है भैया, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द रिवॉल्यूशन ऑफ चार्ज, रिवॉल्यूशन ऑफ चार्ज, आपको कुछ ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है रूट अंडर 16 पाई क्यू ई नॉट एम आर स्क्वायर अपॉन क्यू वन क्यू टू, दूसरा ऑप्शन है, नहीं नीचे लिखता हूँ ऑप्शन, है ना, दूसरा ऑप्शन है रूट अंडर 8 पाई क्यू ई नॉट एम आर स्क्वायर अपॉन क्यू वन क्यू टू, ठीक है, तीसरा ऑप्शन है रूट अंडर क्यू वन क्यू टू अपॉन 16 पाई क्यू ई नॉट एम आर स्क्वायर, और चौथा ऑप्शन है रूट अंडर क्यू वन क्यू टू अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट पाई क्यू एप्सिलॉन नॉट एम आर स्क्वायर। ये सवाल भी बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा ही आसान है। इधर देखिए कैसे सॉल्व होगा इस क्वेश्चन को, यहाँ सॉल्व करते हैं, इधर दिख तो रहना, ठीक है, देखिए कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपसे पूछ, आपको कह रहा है कि दो चार्ज है, एक चार्ज मान लो यहाँ पे Q2 मान लेता हूँ मैं, ठीक है, और ये चार्ज होगा माइनस Q1, ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्ट करने के कारण ये क्या हो रहा है, एक ये सर्कुलर पाथ पे ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, एक सर्कल ये सर्कुलर पाथ पे ट्रैवल कर रहा है, माइनस क्यू वन, ठीक है, और आर इज द रेडियस अलोंग ए सर्कुलर पाथ, ऑफ रेडियस आर लिख लो, ऑफ रेडियस आर, ये हमारे बीच में ये इस सर्कल का रेडियस आर दिया हुआ है। अब आपसे पूछ रहा है कि भाई इसका टाइम पीरियड क्या होगा, देखो टाइम पीरियड का तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस एक रिवॉल्यूशन में डिस्टेंस कितना होगा, 2πr होगा, क्या स्पीड निकालना है आपको, तो यहाँ देखो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है दिस विल वर्क एज सेंट्रीपिटल फोर्स, है कि नहीं, दिस एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक विल वर्क एज एफ सेंट्रीपिटल, तो एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक कितना होगा, के q1 q2 है ना,
अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। यहाँ से हमें स्पीड निकल जाएगा, वेलोसिटी जो भी स्पीड है यहाँ पे। देखो ये आर से ये कार कैंसिल हो गया, तो वी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं अपन, के क्यू वन क्यू टू बाय एम आर का होल स्क्वायर, हमें रूट अंडर ये लिख सकते हैं क्या वेलोसिटी। तो आपको यहाँ पे जो टाइम पीरियड चाहिए दिस अपॉन वी कर दो, इसको सॉल्व करो। यहाँ देखो मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा टाइम पीरियड इज इक्वल टू टू पाई आर अपॉन रूट अंडर, ये देखो ये जो के है के को क्या मैं वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकता हूँ, रूट अंडर वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट राइट इंटू क्यू वन क्यू टू क्यू वन क्यू टू है ना अपॉन एम आर एम आर ठीक है अपॉन एम आर। यहाँ तक क्लियर है? अब हमें इसको भी रूट में लेके जाना है, अगर मैं ऐसे लिखूँ इसी को टाइम पीरियड को अगर मैं अरेंज करूँ तो ये ऊपर चल जाएगा, दिस विल इक्वल टू फोर पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर अपॉन क्यू वन क्यू टू इन टू। अब देखो इसका स्क्वायर करके अगर हम रूट में लिख दें तो कोई दिक्कत है, फोर पाई स्क्वायर आर स्क्वायर ठीक है। ये एक चीज गलती हो गई यहाँ पे, हर में आर क्यू है ना और होना भी चाहिए ठीक है एम आर क्यू। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे ना ये चीज देखो ऐसे लग रहा है 16 पाई क्यू ई एम आर क्यू, इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, समझ में इसका आंसर ये होगा, इसको आप सॉल्व कर लेना ठीक है, नीचे में क्यू वन क्यू टू ये हो जाएगा। इस तरह से सवाल आते हैं, कोई बहुत ज़्यादा टफ सवाल नहीं रहता है, बस आपको समझना होता है चीज़ों को ठीक है, समझ में आया। अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा सा इससे हल्का सा हाई लेवल का क्वेश्चन है, वो बहुत ही आसान है, चलो लिख लिए होंगे। मुझे पता है कि YouTube पे हजारों वीडियो पड़े हुए हैं हर एक टॉपिक से रिलेटेड, लेकिन मैं आपको इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो, इस वीडियो ने मेरे हर एक टीचर का अपना अपना पढ़ाने का स्टाइल होता है यार, समझे, तो हर एक वीडियो में हर जो भी टीचर पढ़ाता है वो कुछ नया बताता है, कुछ नए तरीके से बताता है, चीज़ें वही रहती है ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मतलब जो पढ़ा दिया जो अच्छे पढ़ा रहे हैं उन्हीं का वीडियो हमेशा अच्छा होगा, या फिर जो नहीं पढ़ा पा रहा है उनका वीडियो हमेशा खराब ही होगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, हर एक वीडियो की अपनी खासियत होती है ठीक है। चलो खैर एक क्वेश्चन करते हैं, मेरा बस यही मकसद है कि मैं फिजिक्स को एक दोस्त की तरह कैसे, मतलब एक दोस्त को कैसे समझाया जाता है उस तरह से आपको समझा दूं, है ना। देखो यार ऐसे है, फालतू का टेंशन मत लो, बहुत ज़्यादा नहीं है फिजिक्स में कुछ पढ़ना, आपको तो सिर्फ नीट और जेई मेंस निकालना है, कौन सा फिजिसिस्ट बनना है कि नहीं, बहुत ज़्यादा तो नहीं आपको पढ़ना है कि अरे भाई ये क्वांटम मैकेनिक्स रिलेटिव थ्योरी वगैरह वगैरह, इतना कुछ कोई नहीं पढ़ना है आपको, बस जो 11th 12th में जो फिजिक्स है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लो, उसके कॉन्सेप्ट को समझ लो, हो गया, उसके बाद आप फिजिक्स को भूल भी गए तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो क्वेश्चन इधर देखते हैं, क्वेश्चन ऐसा है कि हमारे पास एक रॉड है ठीक है, एक मिनट, क्वेश्चन पढ़ने से ना पहले एक चीज़ आपको मैं बता देता हूँ, एक चीज़ बताना ज़रूरी है, अभी तक हमने बात किया था कूलम्स लॉ इज़ वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्ज, पॉइंट स्टेशनरी चार्ज है ना। अब आज मैं आपको बताता हूँ कि चार्ज दो तरीके से हो सकता है कहीं पे भी, या तो पॉइंट चार्ज में एग्जिस्ट कर सकता है, पॉइंट चार्ज एक्चुअली एक तो इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है आपको बताया था, और दूसरा तरीका है एक्सटेंडेड चार्ज। एक्सटेंडेड चार्ज का मतलब क्या होता है कि चार्ज हो सकता है, देखो एक्सटेंडेड चार्ज आप लिखो पहले, समझाता हूँ मैं, एक्सटेंडेड चार्ज ठीक है, ये एक्सटेंडेड चार्ज मतलब चार्ज हो सकता है रॉड पे हो, चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन लेंथ, अगर चार्ज लेंथ पे कौन कौन सा हो सकता है, रॉड हो सकता है ना, कोई एक पाइप हो सकता है, कोई एक वायर हो सकता है, उस चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन लेंथ, लेंथ पे पूरे लेंथ पे ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज, ये पॉइंट चार्ज तो नहीं है, लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं,
ये चीज आपको आगे भी बताया जा सकता था लेकिन मुझे लगा कि अभी बताना जरूरी है। तो व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर लेंथ, तो इस चीज को हम एक पॉइंट है जिससे हम डिनोट करते हैं, उसका नाम है लैम्डा। इसी को कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या कहते हैं? लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। देखो यार, डेंसिटी मतलब क्या होता है? डेंसिटी मतलब होता है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम, है कि नहीं? वो हो गया मास डेंसिटी। मतलब अगर मैं कहूँ कि अमाउंट ऑफ मास प्रेजेंट इन वन यूनिट वॉल्यूम, कोई एक ऐसा क्यूब सा है, कोई एक सब्सटेंस है, ठीक है, इसका वॉल्यूम कुछ है, इस वॉल्यूम में कितना सब्सटेंस अट सकता है, कितना मास अट सकता है, तो वो हो गया मास डेंसिटी। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब अगर इस रॉड का लेंथ एल है, इस रॉड का लेंथ एल है, तो एक यूनिट लेंथ में कितना चार्ज प्रेजेंट हो सकता है, इसे हम कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। मतलब लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज क्यू बाय एल। अगर मान लो ये टोटल चार्ज क्यू है, ठीक है, पूरे लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज क्यू है, तो एक यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज होगा, दैट इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, अब एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है, मास डेंसिटी। उसी तरह चार्ज जो है, समझ में आया डेंसिटी क्यों कह रहे हैं? अब चार्ज जो है हो सकता है कि एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड हो, है ना, हो सकता है चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एरिया। लिख दूं क्या ये चीज? लिख ले रहा यार, चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर लेंथ, है ना, चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर लेंथ, लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। ठीक है, यहां अगर एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट है, तो जैसे मान लो एरिया बोलूं, तो ये मान लो होलो स्फीयर है, होलो कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है, होलो है, खाली है अंदर से, तो कहाँ पे होगा चार्ज? उसके सरफेस पे ही होगा, होगा कि नहीं? सरफेस पे चार्ज होगा। तो इस चार्ज को, कितना चार्ज है, इस चीज को समझाने के लिए हम एक नया टर्म है जिसका नाम है, जिसको हम सिग्मा से रिलेट करते हैं, उसको कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या कहते हैं? सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी। ठीक है, इस सिग्मा इज इक्वल टू हम क्या लिखते हैं? देखो, अगर मान लो इसका जो सरफेस एरिया है, इस सरफेस एरिया को, इस पे चार्ज, पहले मान लो कि इस पे चार्ज, फिर से वही बात, क्यू, इसका सरफेस एरिया ए मान लो, तो इस पे सिग्मा इज इक्वल टू क्या बताएंगे? अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट पर यूनिट सरफेस एरिया, ये हो गया सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, एक बार शायद 90 के पहले का क्वेश्चन था कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी, बताओ इसका डायमेंशन क्या होगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी का डायमेंशन क्या होगा? चार्ज क्या क्या होता है? करंट इनटू टाइम, करंट को आप ए से दिखा दो, ए इंटू टी, है ना, इंटू एल माइनस वन एम जीरो, ऐसा था अरेंजमेंट, बहुत अच्छे से लिखा हुआ था कंफ्यूज करने के लिए, एम जीरो एल माइनस वन, आंसर जो है वो मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, ए वन टी वन, ठीक है, टी वन डायमेंशन ऐसा होगा। तो ये सब चीज़ कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उसी तरह देखो, चार्ज जो है हो सकता है वॉल्यूम पर डिस्ट्रीब्यूटेड हो, किसी के पूरे वॉल्यूम में हो। मान लो नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है, तो चार्ज उसके के पूरे वॉल्यूम पर हो सकता है डिस्ट्रीब्यूट हो। कहते हैं हर जगह भरा हुआ है, अंदर से भरा पड़ा है ये लौंडा, नहीं पूरे एकदम भरा हुआ है। तो अपन क्या, इसको जो है ना, ये रो से डिनोट करते हैं, ठीक है, इसको हम कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी, रो इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, क्यू बाय वी। ठीक है, अब ये सरफेस एरिया क्या होता है यार, स्फीयर का 4πr² होता है, जानते हो गए? ठीक है, इसको ये वॉल्यूम कितना लिखते हैं, 4π3πr³। ठीक है, ये सब समझ लो, कोई बहुत सी बेसिक बात है। देखो चलो, अगर आपको स्टैंडर्ड चार्ज का थोड़ा सा कुछ समझ में आ गया, तो एक क्वेश्चन कर ले। ठीक है, मैं आपको पहले ही बता दूं, कूलम्स लॉ पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड होता है। तो यहाँ पे अब जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं, वो एक्सटेंडेड चार्ज के लिए करने वाले। ठीक है, तो जिसको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन अगर दिक्कत है, तो फंस जाओगे। फंस क्या जाओगे, थोड़ा सा लगेगा यार क्या है नया चीज़। खैर चलो, वो भी हो जाएगा। ठीक है, अभी तो शुरू हुई है, हम लोग बहुत कुछ, हर एक एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, और मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ यार, मैं टीचर स्टूडेंट वाले कॉन्सेप्ट में बिलीव नहीं करता। मैं बिलीव करता हूँ कि देख भाई, चीज़ ऐसा है ना, इसको ऐसे समझ ले और इससे क्वेश्चन ये सॉल्व कर ले, बस हो गया, बात खत्म। और सच बताओ, अगर आप फिजिक्स को समझ के पढ़ने लगे ना, तो फिजिक्स बहुत ही एडिक्टिव सब्जेक्ट है, ये मेरा खुद का मानना है। मतलब इतना खतरनाक वाला नशा है, अब क्या ही बताऊँ मैं आपको। चल,
एक क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ये एक रॉड है, दिस इज अ रॉड, इट हैज अ चार्ज, आपको चार्ज नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दिस रॉड हैज अ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। इस रॉड पे जो चार्ज डेंसिटी है वो लैम्डा है, ठीक है आपको, और इस रॉड का लेंथ दिया हुआ है, लेंथ कितना दिया हुआ है, इस रॉड का लेंथ टोटल एल दिया हुआ है, ठीक है। इस रॉड से ये डी डिस्टेंस दूर यहाँ पे कोई एक स्मॉल चार्ज रखा हुआ है क्यू, चार्ज भी ले लो यार, इस पे चार्ज भी टोटल चार्ज प्लस क्यू दिया हुआ है, ठीक है, टेंशन मत लो, डिस्टेंस डी रखा हुआ है यहाँ पे। अब आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन है कि फाइंड द फोर्स ऑन प्लस क्यू कूलम एग्जर्टेड, फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन प्लस क्यू कूलम, बात समझो बस इतना ही है, एग्जर्टेड ड्यू टू द रॉड ऑफ लेंथ एल हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा एंड टोटल चार्ज प्लस क्यू, बात वही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपसे ये पूछ रहा है, ठीक है, अब पहला ही मन में सवाल आएगा कि यार ये तो एक्सटेंडेड चार्ज है, एक्सटेंडेड चार्ज और पॉइंट चार्ज के बीच में क्या कूलम्स लॉ लगेंगे, तो मैं आपको बताऊंगा नहीं लगेगा, नहीं लगेगा तो क्या फोर्स नहीं आएगा, ऐसा नहीं है, फोर्स तो आएगा निश्चित, मतलब एकदम डेफिनेट सी बात है कि ये रॉड के सामने अगर कोई पॉजिटिव चार्ज रख दो तो आप तो निश्चित रूप से ये रिपेल करेगा इसको, एक फोर्स है, ये फोर्स की वैल्यू कैसे निकाले, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, हम ऐसा करते हैं ना, इस रॉड को बहुत ही छोटे 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 क्या कर देते हैं, एकदम पॉइंट चार्ज बना देते हैं। अगर मान लो इस रॉड को तुम एकदम छोटा 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 पार्ट अगर आप कट कर दिए, पॉइंट चार्ज बन जाएगा कि नहीं। अब ये पॉइंट चार्ज जैसे मान लो, चलो इसको मैं ना सॉल्व करता हूँ, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि ये रॉड जो लेंथ एल है, इस लेंथ को ना मैं एकदम छोटा सा लेंथ लेता हूँ, बहुत ही छोटा सा लेंथ, ठीक है, इस लेंथ को मैं मानता हूँ डी एक्स लेंथ, क्या मानता हूँ डी एक्स लेंथ, ये डी एक्स लेंथ बहुत ही छोटा, मतलब तुम जितना सोच सकते हो उससे भी छोटा, ठीक है। खैर इंसान की आजकल सोच बड़ी होनी चाहिए, नहीं देखो डी एक्स लेंथ, इस डी एक्स लेंथ पे कितना चार्ज होगा, अगर पूरे लेंथ पे आप सोचो, मैं कह रहा हूँ कि इस डी एक्स जो लेंथ है इस पे चार्ज होगा कितना, डी क्यू चार्ज होगा, बहुत ही छोटा बहुत ही जरा सा चार्ज होगा। अब बात आएगा भाई ये डी क्यू का वैल्यू कितना होगा, तो अब आप सोचो। और हाँ एक चीज़ और ये जो डी एक्स लेंथ है, इस डी एक्स लेंथ का यहाँ से एक मिनट कहाँ लिखूँ मैं ऊपर लिखूँ क्या ये डी एक्स लेंथ है, ठीक है, इस पे लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, टोटल चार्ज प्लस क्यू है, इस डी एक्स का इस चार्ज से डिस्टेंस मैं एक्स मान लेता हूँ, ठीक है, ये मान लेता हूँ कि भाई ये चार्ज जो है ये डी एक्स से एक्स है, ये डी एक्स को पॉइंट चार्ज मान सकते हैं क्या, सॉरी डी एक्स लेंथ पे ये डी क्यू जो चार्ज है इसको मैं पॉइंट चार्ज मान सकता हूँ क्या, पॉइंट चार्ज है, और ये तो पहले से ही दिया हुआ है प्लस क्यू पॉइंट चार्ज, ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक। तो डी क्यू कितना होगा, देखो इसके लिए बहुत सारी चीज़ें डायरेक्ट बोलते हैं यार डी एक्स को लेमडा से मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन सोचो कैसे, आपको एकदम फील दिला रहा हूँ, तो क्या टोटल लेंथ एल पे कितना चार्ज प्रेजेंट है, प्लस क्यू कूलम चार्ज है क्या, टोटल लेंथ जो रॉड है इस टोटल रॉड पे टोटल चार्ज कितना है, प्लस क्यू प्रेजेंट है, एक यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज होगा, प्लस क्यू बाय एल होगा क्या, होगा ना, तो बताओ डी एक्स लेंथ पे कितना चार्ज होगा, ये प्लस को जाने दो मारो गोली, क्यू बाय एल इंटू डी एक्स होगा क्या, इतना चार्ज प्रेजेंट होगा, और दिस इज इक्वल टू डी क्यू, यही तो छोटा सा जरा सा चार्ज है। देखो क्यू बाय एल को ही हम लेमडा कहते थे, याद आया, लेमडा इज इक्वल टू क्यू बाय एल, इसीलिए हम लिखते थे डी एक्स लेंथ पे कितना चार्ज है, लेमडा इंटू डी डी एक्स, मतलब डी क्यू इज इक्वल टू हम क्या लिखते थे, डी क्यू इज इक्वल टू लेमडा इंटू डी एक्स, इतना चार्ज है। यहाँ तक समझ में आया बात, ठीक है, दिखाई तो दे रहा है ना भाई, बहुत बढ़िया, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो ये डी क्यू अगर हमें पता चल गया, एक बार हमें अगर डी क्यू पता चल गया, हमें पता चल गया डी क्यू इज इक्वल टू कितना, लेमडा इंटू डी एक्स, ठीक है, ये चार्ज हमें पता चल गया, तो क्या हम इस पॉइंट चार्ज डी एक्स जो लेंथ पे जो डी क्यू चार्ज है उसके कारण ये इस प्लस क्यू पे फोर्स निकाल सकते हैं, निश्चित रूप से निकाल सकते हैं। वो फोर्स कितना होगा, डी एफ फोर्स होगा, जरा सा फोर्स होगा, डी एफ इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, के डी क्यू प्लस क्यू, छोटा सा क्यू जो है ना, क्यू अपॉन, और देखो डिस्टेंस कितना, एक्स है, एक्स स्क्वायर, समझ में आया, दिस इज एक्स स्क्वायर,
अब देखो df तो आप निकालना बहुत आसान हो जाएगा, ये जरा सा फोर्स, अब उसी को इंटीग्रेट कर दो, मतलब क्या, इस जरा सा dx 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 को जोड़ते जाओगे टोटल लेंथ एल हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे करते जाओ करते जाओ, फिर बोलोगे यार ऐसे ऐसे करते जाएंगे तब तो पूरा जिंदगी निकल जाएगा, नीच ना निकलेगा, जही मेंस ना निकलेगा। तो एक तरीका ऐसी, यही पे हम यूज़ करते हैं इंटीग्रेशन का तरीका, ठीक है, यहाँ तक समझ गए होंगे, इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। देखो भाई बहुत बात ऐसा है, ठीक है, देखो जो डी एफ है ना, डी एफ इजिकल टू क्या लिखते हैं अपन, के डी को क्या वैल्यू बताओ भाई कितना लिखेंगे, फिलहाल लेमडा ही रहने, लेमडा की जगह क्यू बाई एल ही लिख देता हूँ ना, क्यू बाई एल इंटू स्मॉल क्यू इंटू डी एक्स, डी एक्स इधर लिख रहा हूँ, ठीक है, लिख लिया हूँ, अगर नहीं लिखे होंगे तो वीडियो का आप पीछे करके लिख लेना पहले, है ना, मेरे पास जगह नहीं इसलिए मुझे मिटाना पड़ रहा है। ओके, ये हो गया क्यू डी क्यू इंटू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, ये तो जरा सा फोर्स है। अगर आपको टोटल फोर्स निकालना है तो दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो, दोनों साइड क्या करोगे इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेट करने के बाद ये जो टोटल फोर्स एफ आएगा, इसमें देखो क्या क्या चीज़ कॉमन, मतलब कॉन्स्टेंट है, के का वैल्यू कॉन्स्टेंट है, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू का वैल्यू कॉन्स्टेंट है, एल का वैल्यू कॉन्स्टेंट है, हमारे पास क्या आया इंटीग्रेशन डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आया। अब देखो ये x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक ले, है ना, लोअर लिमिट क्या ले अपर लिमिट क्या ले, इस x को जरा ध्यान से देखो, ये जो हमारे पास x है, इस x को क्या मैं यहाँ तक लेके आऊँ, x को इसको मैं इधर से खींच के एकदम खींच के यहाँ तक लेके आऊँ, d तक लेके आऊँ, पॉइंट q से ये d तक लेके आऊँ, फिर d से d प्लस एल तक लेके जाऊँ, तो क्या मुझे ये पूरा रॉड कवर हो जाएगा। लोअर लिमिट अगर मैं d लूँ, मतलब x लोअर, x इनिशियल इज इक्वल टू d लिया, ठीक है, और x फाइनल, x फाइनल कितना लिया, देखो इनिशियल पॉइंट डी लिया और फाइनल पॉइंट डी प्लस एल, डी प्लस एल, कोई दिक्कत है बताओ यार, समझ में आ रही है बात। अब आपको इंटीग्रेशन अगर नहीं आता है दुर्भाग्य से, तो मैं आपको फिलहाल इतना हेल्प कर देता हूँ कि वन अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेट करना है, तो क्योंकि ये यहाँ पर इंडिफिनिट इंटीग्रेशन लिख रहा हूँ, तो आप सिंपल सा लिख लो, देखो एक्स टू द पावर माइनस टू लिख सकते क्या इसको, अब मैं बता दूं x टू द पावर n dx का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू क्या होता है, x टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, ठीक है, अगर इंडिफिनिट है तो प्लस एक कॉन्स्टेंट सी लगा देते हैं, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करो तो क्या हो जाएगा, x टू द पावर माइनस टू प्लस वन माइनस वन डिवाइडेड बाय माइनस वन, नहीं समझे क्या, ये x टू द पावर माइनस टू तो लिख सकते हैं क्या नहीं, समझे, तो इसको इंटीग्रेट करने के बाद आपको आएगा माइनस वन बाय एक्स, ये अगर नहीं आ रहा हो तो आप ये चीज़ पहले लिख लेना, ठीक है भाई, समझे। ओके चलो इस चीज में अब इधर बढ़ते हैं आगे, डी एफ इज वैल्यू क्या था, के डी क्यू स्मॉल क्यू बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है, और आप इतना लिख लो वन बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है वन बाय माइनस वन बाय एक्स, ठीक है। ओके प्लस सी जाने दो, समझने की बात है, इनडिफिनिट है तो ये लोअर लिमिट आपको तो दिया हुआ है यहाँ पे। ओके इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, यहाँ देखो के क्यू स्मॉल क्यू बाय एल, ठीक है, इनटू क्या आया माइनस वन बाय एक्स, इसको इंटीग्रेट करने के बाद देखो लोअर लिमिट और अपर लोअर लिमिट डी है, अपर लिमिट कितना है डी प्लस एल है, और आपको पता होगा हम क्या करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, ठीक है, अगर आपको लिमिट दिया हो तो इसको यहाँ पे x के s के जगह पे पहले d प्लस एल रखो, फिर माइनस करो, फिर लोअर लिमिट करो, इसको अगर आप सॉल्व करोगे, मैं ये चीज़ मिटा रहा हूँ, यहाँ पे मुझे जगह चाहिए, ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व करो, मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, ऊपर देखो क्या आएगा, f इज इक्वल टू के क्यू स्मॉल क्यू बाय एल इंटू माइनस वन अपॉन डी प्लस एल माइनस, ठीक है, माइनस वन अपॉन एक्स की जगह क्या लिखेंगे डी, ये सॉल्व करने का तरीका है, ठीक है, मैं जान के एकदम बेसिक से बता रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी एलेवेंथ क्लास के वीडियो नहीं डाले हैं, अभी ट्वेल्थ से स्टार्ट किया हूँ, तो इसलिए जिनको नहीं आता होगा उनके लिए, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय एल, इसको सॉल्व करो, नीचे में क्या आ जाएगा डी प्लस एल इंटू डी, ये माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे प्लस, ठीक है, इधर आ जाएगा, इधर क्या आएगा माइनस डी, ठीक है, प्लस डी प्लस एल,
इसको सॉल्व करोगे तो ये चीज़ आ जाएगा आपको, कितना आएगा सही है क्या, माइनस डी ठीक है प्लस डी प्लस एल ओके। आप सॉल्व करो इसको तो सॉल्व करोगे तो ये माइनस डी इधर कट जाएगा, ये आ जाएगा आपको के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय इधर एल, इधर भी एल आ जाएगा, एल अपॉन डी प्लस एल इंटू डी आएगा, ये एल एल कट जाएगा, जो भी वैल्यू आएगा आपको आंसर आ जाएगा ठीक है। यहाँ तक समझ में आया कि बात, तो कोई ऐसा टफ नहीं है यार, बहुत ही ज़्यादा आसान है ठीक है, बस आपको समझने की ज़रूरत है, दिखाई तो दे रहे हैं ना। ठीक है तो नेट फोर्स यही आएगा, ये एल एल कट गया तो आपके पास नेट फोर्स कितना आया, नेट फोर्स इक्वल टू के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू इंटू डी प्लस एल, आपको ये आ जाएगा, समझे चीजें क्लियर हुई ठीक है। अब यहां तक करने के बाद हम लोग एक चीज पढ़ने वाले हैं, आप हेडिंग डालो कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म ठीक है, इसके बाद और भी क्वेश्चन करवाऊंगा, छोटा सा ये सवाल था। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आए ना तो आप पहले एकदम बेसिक से सोचो, अगर आपका बेसिक फंडामेंटल क्लियर है ना फिजिक्स में फिर तो दिक्कत नहीं है, फिर तो एकदम सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। हेडिंग डालो कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। और हाँ, जिसको ये वीडियो थोड़ा स्लो लग रहा होगा ना वो आप स्पीड बढ़ा सकते हैं वीडियो का, है ना 1.5x 1.75x जितना पे करना है मन उस पर करके आप देख सकते हो जैसे आप कंफर्टेबल हो। तो हेडिंग है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर वेक्टोरियल फॉर्म, वेक्टर फॉर्म। तो यार कोई भी चीज़ को वेक्टर में लिखने का क्या तरीका होता है, अगर मान लो मैं कहूँ कि कोई एक दो चार्ज है ठीक है, Q1 है Q2 है राइट, इन दोनों के बीच में अगर पोजीशन वेक्टर मान लो, इन दोनों के बीच में अगर कोई वेक्टर है R ठीक है, और अगर आपको एक फोर्स F है, इस फोर्स F को अगर आपको लिखना है तो F इज इक्वल टू आप क्या लिखोगे, लिखोगे जो पहले मैग्नीट्यूड है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इन टू पोजिशन वेक्टर, क्या लिखते हैं यूनिट वेक्टर आर, ये जो आर है आर क्या, ये लिखते हैं हो गया, मतलब वेक्टोरियल फॉर्म में लिखने का यही तरीका है। देखते हैं इसी तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं, इसी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं ठीक है, इतना आसान ही है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। देखो मैं इसको थोड़ा सा एक्स वाई जेड, ये तो एक प्लेन की बात थी, मान लो ये हमारे पास वाई एक्सिस है ना, मानोगे ये है ठीक है, माइनस एक्स प्लस एक्स है ना, माइनस वाई पॉइंट, दो चार्ज है, ये चार्ज का वैल्यू, ये चार्ज मान लो क्यू वन है, ये चार्ज है क्यू टू, ओरिजिन से कोई तो भी पोजीशन वेक्टर होगा ठीक है, दिस इज पोजीशन वेक्टर, मान लो ये आर वन है, दिस इज आर वन पोजीशन वेक्टर ठीक है। अब आर वन है, कोई भी वेक्टर होता है आपको इतना पता है, मान लो ये वेक्टर ए होते हैं, ए होता है, ये अगर एंगल थीटा बना रहा है तो इसका एक कंपोनेंट होता है ए एक्स, इसका एक कंपोनेंट होता है ए वाई, है ना, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, ये सब पढ़े होंगे आप, नहीं पढ़े होंगे तो एक बार आप पहले इसको पढ़ लो, एक बार फटाफट आसान से समझ में आ जाएगा। तो ये एक R1 पोजीशन वेक्टर है और ये है R2 पोजीशन वेक्टर, ये क्या है R2 पोजीशन वेक्टर, हमें इन दोनों अगर मान लो ये दोनों ही पॉजिटिव चार्ज हैं तो आपस में क्या करेंगे, ये एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, ये मान लो ये F इधर लगा है, दिस फोर्स इज फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, ऐसे लिखते हैं, दिस इज फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू ठीक है। हमें चाहिए इस ये पोजीशन वेक्टर कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक का बीच का डिस्टेंस कितना होगा, इसको मैं मान लेता हूँ R ठीक है, ये क्या है R मानता हूँ। अगर जरा ध्यान से, अगर आपने वेक्टर का ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आपने पढ़ा होगा
तो उस लॉ के अनुसार जरा ध्यान से देखो, आर वन प्लस आर वेक्टर आर इज इक्वल टू आर टू लिखते थे हम, ठीक है, ट्राइंगल लॉ के अनुसार। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पहले इसको एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है, नहीं तो मेरा जब वीडियो आएगा तब तो मैं अपलोड करूंगा ही वेक्टर पे। ऐसा होता है तो क्या मैं इस वेक्टर आर को वेक्टर आर इज इक्वल टू आर टू माइनस आर वन लिख सकता हूँ, बताओ, लिख सकता हूँ ना, याद है, क्लियर है, वेक्टर आर इज इक्वल टू आर टू माइनस आर वन, ठीक है। अब देखो इसका अगर आपको मैग्नीट्यूड पूछा जाए तो क्या लिखोगे, वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू क्या लिखोगे, वेक्टर आर टू माइनस आर वन का जो भी वैल्यू आएगा उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। इसी वेक्टर मैग्नीट्यूड को लिखने का एक और तरीका है कि आप ऐसे सिंपल आर से लिख देते हैं, ठीक है, एरो वगैरह नहीं लगाते, डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं, समझे। तो अब देखो अगर आपसे वेक्टोरियल फॉर्म में पूछे कूलम्स लॉ, दिस फोर्स एफ इज इक्वल टू क्या होगा, तो आप बताओगे के क्यू वन क्यू टू अपॉन इस आर का जो मैग्नीट्यूड होगा आर स्क्वायर, इतना तो नॉर्मल सी बात है, मैग्नीट्यूड की बात है। वेक्टोरियल फॉर्म में करना है तो इस आर का यूनिट क्या, यूनिट वेक्टर लिख दो। यूनिट वेक्टर मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कोई एक वेक्टर है हमारे पास, दिस इज अ वेक्टर ए, इसका यूनिट वेक्टर निकालना है तो ए के ऊपर कैप लगा देते हैं, ए कैप, आपने पढ़ रखा होगा यूनिट वेक्टर, ए कैप इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, वेक्टर ए डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड ए। कोई भी यूनिट वेक्टर इज द रेशियो ऑफ द वेक्टर टू इट्स मैग्नीट्यूड, उसको कहते हैं यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पे हम लगा देंगे दिस आर का यूनिट वेक्टर आर कैप, ठीक है, लो यार थोड़ा सुंदर आर लिख देता हूँ, आर स्क्वायर। अब देखो इस दिस वेक्टर एफ को मैं कैसे लिखूंगा, एफ इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर, यहाँ पे आर कितना है, आर स्क्वायर जो भी वैल्यू आएगी इसका ये आर स्क्वायर, ठीक है, इनटू आर कैप को क्या लिखूंगा मैं, वेक्टर आर डिवाइडेड बाय आर, यही आ रहा है ना, ये वेक्टर आर है, लो यार, वेक्टर आर डिवाइडेड बाय इस आर। अब आर स्क्वायर इनटू आर कितना हो जाएगा, आर क्यूब हो जाएगा। तो जो कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म लिखा जाता है वो ऐसे लिखा जाता है के क्यू वन क्यू टू इनटू वेक्टर आर, व्हाट इज वेक्टर आर, इट इज द पोजीशन वेक्टर बिटवीन द टू चार्ज, है ना, डिवाइडेड बाय आर क्यूब, व्हाट इज आर क्यूब, इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द पोजीशन वेक्टर बिटवीन द टू चार्ज, ये हो जाता है, ठीक है, ऐसे लिख लो यार, स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है बुक में, ठीक है, ये हो गया वेक्टर फॉर्म, आर क्यू नीचे आएगा, समझ में आया, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर, अब वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, करें, ठीक है, एक बहुत ही आसान सवाल, मिटाओ इसको, चलो आवाज तो आ रही है ना, बहुत बढ़िया, मुझे पता था ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा जाएगा, ठीक है, टेंशन लेने की बात नहीं है। ये पूरा फिजिक्स ही ऐसा है यार, फिजिक्स ना बहुत आसान चीज़ है, पता नहीं मुझे, सच बताओ मुझे बहुत डर लगता था फिजिक्स में, लेकिन किसी टीचर ने मुझे ऐसा कह दिया यार फिजिक्स तो इतना आसान चीज़ है उससे तुम डर रहे हो, पता नहीं बस इस शब्द से ना मेरे अंदर में क्या हो गया। चलो एक क्वेश्चन है, राइट ऑन द क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज कि फाइंड द फोर्स, ये कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फाइंड द फोर्स बिटवीन चार्ज q1 is equal to कितना ले लूँ, 20 माइक्रोकूलम प्लस 20 माइक्रोकूलम एंड q2 is equal to -10 माइक्रोकूलम, ठीक है, -10 माइक्रोकूलम, ठीक है, प्लेस्ड एट, कहाँ कहाँ रखा हुआ है, प्लेस्ड एट 1, -1, 2 एंड -1, -1, 1 रिस्पेक्टिवली। ये क्या लिख दिए सर, नहीं -1, +1, +2 क्या है, चलो समझाता हूँ, ये क्या है, कहना ये चाह रहा है भाई कि दो चार्ज है, मान लो ये चार्ज है Q1
ठीक है, ये चार्ज है क्यू टू, कुछ भी होगा हमें नहीं पता। इस चार्ज का जो आप देखो, ये जो चार्ज है इसका जो पोजिशन वैक्टर मान लो कुछ आर आएगा, इसका कोई कंपोनेंट आएगा आर का आर एक्स, आर एक्स, इसका वाई का कंपोनेंट आएगा आर वाई, है ना, इसका जेड एक्सिस का कोई कंपोनेंट आएगा। तो इसका जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है क्यू टू का कोऑर्डिनेट वो दिया हुआ है माइनस वन, ठीक है, एक्स एक्सिस में माइनस वन मीटर दूर है, वाई एक्सिस में प्लस वन मीटर दूर है और जेड एक्सिस में प्लस वन मीटर दूर है। सिमिलरली क्यू वन का मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है, वन माइनस वन और टू, यही दिया हुआ है, समझ में आया। अब आपको देखो ये आर, ये कहीं ना कहीं अगर आप देखो, ये मान लो ये आर वन मान, सॉरी ये आर टू मान लो, ठीक है, ये मान लो आर वन, तो आर वन आर टू का वैल्यू दे दिया आपको, आपको इस दोनों के बीच में पोजिशन वेक्टर आर निकालना है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता था, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर क्यू इन टू आर, यही होता था कि नहीं। और मैंने आपको ये भी बताया था, अभी मैंने आपको ये बताया कि भाई r इज इक्वल टू दिस वेक्टर, r इज इक्वल टू क्या लिखते थे अपन, r2 माइनस r1 लिखते थे, क्या लिखते थे ना, तो r2 माइनस r1 कर दो ये r आ जाएगा वेक्टर, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले तो आप r की वैल्यू निकाल लो यार, क्या होगा r